के आधार पर आज राज्यसभा में महंगाई पर चर्चा शुरू हुई। महंगाई को लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विश्वव्यापी संकट, कोरोना संकट और रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारतीय करेंसी की मजबूती बनी हुई है। सुनिए ना, जवाब को सुनना चाहिए ना, प्लीज जवाब सुनिए, क्योंकि मैं प्रश्नों को ध्यान से सुनती हूँ और जवाब देने के लिए कष्ट करती हूँ, कोशिश करती हूँ, मेरी जिम्मेदारी मानती हूँ। सो प्लीज मेहरबानी करके सुनिए। सो तब की मुख्यमंत्री गुजरात और अब की प्रधानमंत्री जी, तब ये बयान देने का कारण क्या है? इकोनॉमी में डबल डिजिट इन्फ्लेशन 22 महीने तक चला और कोई रुकावट नहीं था उसमें, प्रेजेंट फाइव इकोनॉमी हो गया था उस समय, और भारत देश का इकोनॉमिक सिर्फ और टेपर ट्रांटम के वजह से इतना गंभीर हालत पहुंचे। आज देख लीजिए, पैंडेमिक है, पैंडेमिक से रिकवरी है, सेकेंड वेव है, ओमिक्रॉन है, यूक्रेन रशिया वॉर है, पूरे दुनिया के सप्लाई चेन तब पड़ा हुआ है, भारत देश का करेंसी अभी बरकरार और स्ट्रांग रह रही है, उसको ध्यान रखिए अमृत काल में। प्रदेश के